अलमारी में जो कपड़े हैं वो आपके नेचर की पूरी बारीकियां बता देते हैं। मैंने आपको कल भी कुछ टिप्स बताई, आज भी कुछ बताऊंगी, सुनिए ध्यान से। अगर आपकी अलमारी में ऐसे कपड़े हैं जो ज़्यादा रिवीलिंग है, तो इसका मतलब ये है कि या तो आप एक ही तरह के कपड़ों को सभी मौक़ों पर बगैर परवाह किए पहनते हैं कि मुझे जो पसंद है मैं बिंदास तरीके से वो ही पहनूंगा या पहनूंगी, तुम्हें क्या लगता है ये तुम समझो, या फिर आप गलत तरीके के लोगों का ध्यान खींचने के चक्कर में हमेशा किसी न किसी उलझन में फंस जाते हैं। तो आपके लिए टिप ये है कि उस इमेज के बारे में सोचें जिसे आप जिस जगह पर पहन रहे हैं उस हिसाब से पहनें, या फिर अपनी रिबेलियस नेचर को अपना USP बना लें और कुछ हटकर काम करें जिससे लोगों का आपकी तरफ ध्यान आकर्षित हो। अगर आप अपनी इमेज बदलना चाहते हैं तो अपने आसपास किसी सेंसिबल आदमी से सलाह लेकर आप कपड़े खरीदते हैं तो आपकी इमेज में चेंज आ जाएगा। अगर आपकी अलमारी में फॉर्मल कपड़े हैं ज़्यादा, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप खुद को सबसे पहले अपने काम का माध्यम समझते हैं कि मेरा ये काम है ना, ये सबसे पहले मैं ही कर सकता हूँ और कोई कर ही नहीं सकता, और काम से जुड़ी परेशानियाँ, काम से जुड़ी जो आपकी सक्सेस है उसके लिए आप खुद ही को ज़िम्मेदार या खुद ही को कर्ता धर्ता मानते हैं। आपके लिए भी मेरे पास एक खास टिप है, आप अपनी पर्सनालिटी के बाकी चीज़ों में टैलेंट को खोजें। हो सकता है किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आपके अंदर वैसा ही टैलेंट हो जैसा एक महान चित्रकार में होता है, जो सबका भला चाहता है और पार्टीज़ में सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है अपनी ही क्रिएटिविटी के साथ। हो सकता है आप में भी ऐसा टैलेंट छुपा हो। अगर आपके वार्डरोब में ऐसे कपड़े हैं जो वो या तो ऐसे हैं कि आप बहुत कम एज के बच्चों जैसे कपड़े पहनते हैं, या ऐसे कपड़े हैं जो आप बहुत ज़्यादा उम्र की लोग जैसे कपड़े पहनते हैं जिससे आप मैच्योर लगते हैं, इसका मतलब ये हो सकता है कि आप उस उम्र को दर्शा रहे हैं जिस उम्र की कपड़े पहन रहे हैं। जैसे कई बार मैंने देखा है कि लेडीज़ 50s में होती हैं और ऐसे कपड़े पहनती हैं जैसे कॉलेज की लड़कियाँ पहनती हैं, और कई बार मैंने ऐसे देखा है कि कुछ कॉलेज की लड़कियाँ ऐसे कपड़े पहनती हैं जैसे बड़ी बड़ी हाउसवाइफ्स पहनती हैं। तो आपका माइंडसेट जो है वो उसी उम्र का है जिस रिफ्लेक्शन की एज के कपड़े आप पहनते हैं। या फिर एक और बात हो सकती है कि या फिर आप अपनी असली और अंदरूनी उम्र के बीच कहीं फंस के रह गए हैं। आप क्या करें, अपने गोल्स जैसे कि प्रमोशन, जिस लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, दुनिया में जहां घूमना चाहते हैं, उस पर फोकस कर कपड़े पहने और आपकी ज़िंदगी में वही चीज़ उतर के आ जाएगी। अब अगर आपकी अलमारी में सिर्फ डिज़ाइनर वेयर कपड़े हैं, ऐसे कपड़े हैं जो ब्रांडेड हैं, डिज़ाइनर वेयर हैं, इसका मतलब कि आप सोचते हैं कि इन कपड़ों से आपकी रहीसी लोगों को पता चलेगी। साफ बात है, जब महंगे कपड़े खरीदेंगे तो पता भी चलेंगे और वो आपसे आपकी रहीसी के कारण अच्छा व्यवहार करेंगे। टिप, कुछ ऑफबीट कपड़े पहनिए जिनमें लोगों का डिस्प्ले कम से कम हो, ताकि लोगों तक ये मैसेज जाए कि आपके डिज़ाइनर लेबर्स की जगह आपको ज़्यादा वैल्यू दें।